और ऐसे फुटपाथ पर मशीन लगा के 60-70 रुपए रोज कमा लेते हैं। भीख मांगते थे तो यूं समझिए कि ऐसे पशुओं की तरीके जीवन व्यतीत हो रहा था। अब इस संस्था में जुड़ करके ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, धीरे धीरे समाज में जो छूट गया था, अब उस चीज में फिर से हम वापस आ जाएंगे। लखनऊ के ऐशबाग इलाके के एवर रेडी चौराहे के करीब में वाक़े रैन बसेरे में दर्जनों ऐसे अफराद रिहाइश पजीर हैं जो माजी में भीख मांगते थे। ये अफराद अपनी माजी की तल्ख यादों को फरामोश कर अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ये धन्नी राम हैं जो कुछ बरस कबल रोड हादसे में पैर से माजूर हो गए थे, जिसकी बिना पर उनको मुलाजिमत से निकाल दिया गया था। इस मुश्किल घड़ी में धनीराम के अहले खाना ने भी साथ छोड़ दिया था। ऐसे में मजबूरन उन्हें भीख मांगने के रास्ते को अपनाना पड़ा। धनीराम बताते हैं कि मंदिर के बाहर पूरा दिन भीख मांगते थे और वहीं रोड पर सो जाते थे, लेकिन जब शरद पटेल की निजी तंजीम के जरिए रैन बसेरे में आए, उस वक्त से भीख मांगना तर्क कर दिया और फिर काम में लग गए। अब फुटपाथ पर सिलाई मशीन लेकर बैठते हैं, दिन भर 60-70 रुपए की कमाई हो जाती है। काम करता था रहीमनगर में, तो मेरा पैर टूट गया था तो मुझे वहाँ से निकाल दिया था, और फिर मुझे जो है कि मैं हनुमान सेतु आ गया, वहाँ पे मैं खाना वाना मिलता था, समझ लीजिए भीख समझ लीजिए या वैसे समझ लीजिए। तो वहाँ हमारे जो है भाई साहब शरद पटेल जी हमको यहाँ पर लाए, और उन्होंने हमें जो है कि यहाँ पे हमने रहने खाने नहाने धोने की कपड़े की व्यवस्था दी है, यहाँ पर मशीन हमको दिलाया है और ऐसे हम फुटपाथ में मशीन लगा के 60-70 रुपए रोज कमा लेते हैं। ऐसे ही दीपू गुप्ता की कहानी है जो गुज़िश्ता कई बरस से भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया था। दीपू बताते हैं कि वालिद ने पूरी जायदाद बीवी के नाम कर दी थी, बीवी छोड़कर चली गई, उसी वक्त से जहनी तनाव में मुब्तला हो गए। अहले खाना ने भी साथ छोड़ दिया और भीख मांगने लगे, लेकिन शरद पटेल और उनकी टीम की कोशिशों ने जिंदगी में हैरतअंगेज तब्दीली कर दी। अब न सिर्फ हमारे सर पर रहने के लिए छत है, बल्कि रोजगार भी, और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। दीपू बताते हैं कि अब अपनी माजी में कभी नहीं जाना चाहेंगे। भिखारियों की जिंदगी जानवर से भी बदतर होती है। पहले पशुओं के तरीके रहना, अब तो एक तरीका लगता है कि हाँ इंसान की तरीके जी रहे हैं। यहाँ पर रहना, खाना पीना सभी कुछ हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों से रोजगार भी कराया जा रहा है। जो जिसकी इच्छा होती है उसको उसी रोजगार में लगाया जाता है। उसी तरह इस रैन बसेरे में दर्जनों भिखारी रहायश पजीर हैं जो माजी की तल्ख यादों को फरामोश कर हैरत अंगेज तब्दीली ला रहे हैं। अब जिंदगी तो हमारी बहुत पहले से बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी कट रही है। ऐसा सोचते कि हमारे जीवन कटत रहे, कहीं भैया के चलते कहीं आवास आवास मिल जाए हम लोग के, तो थोड़ा सा और अच्छा ही हो जाए, जिंदगी फिर से एक नई पहचान के साथ शुरू कर पाए। तो उनकी प्रॉपर हम लोग स्किल मैपिंग करते हैं, फिर जो काम मेरे को स्किल मैपिंग में निकल के आता है कि उनको अच्छा आता था, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या रहे, क्यों वो फेल हुआ, क्यों उनको बेगिंग के क्षेत्र में जाना पड़ा, तो जीवन के जो टर्निंग पॉइंट होते हैं उनको हम लोग पहचानते हैं और फिर उनके साथ एक साइकोलॉजिकल थेरेपी के माध्यम से तो उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करते ही हैं, और फिर इकोनॉमिकली रूप से उनको स्ट्रांग करने के लिए उनकी स्किल बिल्डिंग पे काम करते हैं, उनकी बिजनेस कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, फाइनेंस लिटरेसी पे काम करते हैं, और उनको छोटे छोटे माइक्रो बिजनेस शुरू करने में उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ बेनिफिशरी हमारे चाट का ठेला लगा रहे हैं, कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई हरी सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई टेडी वियर बेचता है, कोई प्लास्टिक के खिलौने बेचता है, कोई प्लम्बरिंग का काम सीखता है वो करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है। शरद पटेल बताते हैं कि कोविड ने इन लोगों की तिजारत पर भी सख्त असर डाला है, जो काम करते थे वह बंद हो चुका है, बची हुई रकम अब तक खाए, अब उनको दोबारा काम शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।
अप्रैल में कोविड के केस बढ़ना शुरू हुए, उनके माइक्रो बिजनेस बंद हो गए और फिर लॉकडाउन लगा, तो एक तरीके से उन्होंने जो पूंजी जमा की थी, जो उनकी बचत आई थी, वो भी इतने लंबे समय में उनकी इन्वेस्ट हो गई, खर्च हो गई उनके पर्सनल खर्चों में। तो एक तरीके से मेरे दोबारा उनके और सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको हम दोबारा भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे कि वो अपने रोज़गार को पुनः इस्टेब्लिश कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। उत्तर प्रदेश में 1972 एक्ट के तहत भीख मांगना जुर्म है। उसके तहत गुज़िश्ता हुकूमतों ने पूरी रियासत में भिखारियों को राह रास्त पर लाने के लिए तकरीबन 7 भिखारी घर तामीर किया था। लखनऊ में भी एक भिखारी घर है, लेकिन यहां पर भिखारी क्यों नहीं आते, इसका जायज़ा लेने ईटीवी भारत ने उस घर का दौरा किया, जहाँ पर पता चला कि 2009 में आखिरी बार इस घर से एक भिखारी को छोड़ा गया था। उसके बाद से यहाँ कोई भिखारी नहीं आया। अब ये घर खंडरात में तब्दील हो चुका है। लखनऊ से खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट।